अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, आप अपने कदम पीछे मत खींचिएगा। दोस्तों यह बात हमेशा याद रखिएगा कि 100 जगह एक एक फुट गड्ढा खोदने से कभी पानी नहीं निकलता, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ना करना महाबुरा है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारों पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। जीवन में 3 मंत्र याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। इंतजार मत करो जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कहीं तेजी से आगे निकल रही है। जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए, तो आदतें आपका वक्त बदल देंगी। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिर के उठने में है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांघा है सिर्फ समुद्रों को, अभी तो लांघना सारा आसमान बाकी है।